हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे विक्टोरियन टाइम पीरियड के बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, पोइट हैं, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे उनकी वाइफ थी ये, और टेनिसन के बाद एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी इनको। ऐसे भी है कि अगर टेनिसन पोइट लॉरेट नहीं बनती तो ये बनती विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। तो आज हम बात करेंगे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वॉज अ सेलिब्रेटेड 19th सेंचुरी पोएट एंड फेमिनिस्ट हु रोट सोनेट्स फ्रॉम पुर्तगीज एंड अरोरा लेक। इनका ये जो नॉवल या पोएम कह सकते हो, वर्स नॉवल है, अरोरा लेक 9 बुक्स में है, ये फेमिनिस्ट वर्क माना जाता है। और सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज, पुर्तगीज ये कोई प्लेस का नाम नहीं है, ये इनका खुद का ही नाम है। रॉबर्ट ब्राउनिंग थे वो इन्हें प्यार से पुर्तगीज बुलाते थे। द सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज और अरोरा लेक, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वॉज बोर्न ऑन 6 मार्च 1806 इन काउंटी डरहम, इंग्लैंड। एडवर्ड बैरेट इनके फादर का नाम था, मैरी ग्राहम क्लार्क इनकी मदर का नाम था। एडवर्ड और मैरी दोनों के 12 चिल्ड्रन थे, लेकिन अडल्टहुड तक सिर्फ एक ही पहुँच पाई, वो थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ वॉज मोस्टली ट्यूटर्ड एट होम एंड शी क्विकली लर्न लैंग्वेज लाइक फ्रेंच, ग्रीक एंड लैटिन। तो काफ़ी कम एज में इन्होंने फ्रेंच, ग्रीक और लैटिन सीख लिया था, घर पे ही इनको पढ़ाया गया था। एलिजाबेथ पेरेंट्स वर सपोर्टिव ऑफ हर अर्ली राइटिंग एंड शी रोट हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्स द बैटल ऑफ मैराथन। तो इनका फर्स्ट कलेक्शन था, 14 ईयर की एज में इन्होंने लिखा था। हर फर्स्ट इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन वॉज इन 1821 फॉर द न्यू मंथली मैगजीन। एलिजाबेथ पोएट्री वॉज नॉट ओनली पॉपुलर इन ब्रिटेन बट ऑल्सो इन अमेरिका। तो ये सिर्फ इंग्लैंड या ब्रिटेन में फेमस नहीं थी, ये पूरे अमेरिका में भी फेमस थी। इन 1826 एलिजाबेथ फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोम्स टाइटल्ड एन एसे ऑन माइंड वॉज पब्लिश्ड। इन 1833 हर ट्रांसलेटेड प्रोमीथियस बाउंड वॉज एनोनिमसली पब्लिश्ड। तो इन्होंने प्रोमीथियस बाउंड का ट्रांसलेशन भी लिखा है। द सेराफिम गॉट क्रिटिकल अटेंशन एंड अदर पोम्स वॉज पब्लिश्ड इन 1838 व्हेन एलिजाबेथ वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। शी फेल सिक। इनकी जो बीमारी थी वो काफ़ी लंबी चली, और इवन मेडिकल साइंस में भी उस बीमारी को डिटेक्ट नहीं कर पाए कि इनको क्या प्रॉब्लम है। काफ़ी पेन होता था बैक में, वो रीढ़ की हड्डी या बैक नेक में, तो उसकी वजह से थोड़ी कमज़ोर सी भी दिखती थी ये। तो उसी पेन को कम करने के लिए इन्होंने मॉर्फिन, पेन किलर लेना शुरू कर दिया था, और बाद में ये एडिक्ट हो गई थी। एलिजाबेथ बिकॉज ऑफ हर हेल्थ वुड ऑलवेज टू बी वीक। एलिजाबेथ नेवर सपोर्टेड स्लेवरी एंड हैज़ इवन पब्लिश्ड 2 पोम्स। तो ये स्लेवरी को सपोर्ट नहीं करती थी, उसके खिलाफ थी। द रन अवे स्लेव एट पिलग्रिम पॉइंट एंड अ कॉज फॉर अ नेशन, ये इनकी 2 पोम्स हैं जो स्लेवरी के खिलाफ है। इन 1842 द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन वॉज पब्लिश्ड विच फोकस्ड ऑन द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर। तो इस स्लेवरी, चाइल्ड लेबर उस टाइम में सोसाइटी में बहुत आते थे, और इन दोनों के खिलाफ इन्होंने वर्क लिखा है। इन 1844 2 वॉल्यूम ऑफ पोम्स वॉज पब्लिश्ड विच इंक्लूडेड अ ड्रामा ऑफ एग्जाइल, अ विजन ऑफ पोएट्स एंड लेडी जेराल्डिन्स कॉर्टशिप। द सक्सेस ऑफ द पोम पब्लिश्ड इन 1844 हैड मेड एलिजाबेथ द मोस्ट पॉपुलर राइटर। इवन जो बैरेट ब्राउनिंग थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग थे, उन्होंने इनके वर्क को पढ़ा और वो भी काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने इनको लेटर लिखा कि आपका वर्क मुझे बहुत पसंद आया, और इसी टाइम से इनका फिर लव अफेयर शुरू हो गया। बाद में इनकी मीटिंग हुई, किसी एक फ्रेंड ने मीटिंग करवाई थी, फिर अफेयर शुरू हो गया, बाद में इनकी मैरिज हो गई। एलिजाबेथ फेमस वर्क सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज एंड अरोरा लेक वर प्रोड्यूस्ड आफ्टर शी मेट रॉबर्ट ब्राउनिंग अराउंड द सेम टाइम। रॉबर्ट ब्राउनिंग का भी सेम ये वर्क मैन एंड वुमन उसी टाइम प्रोड्यूस हुआ था जिस टाइम सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज एंड अरोरा लेक प्रोड्यूस हुए थे। दे वर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ईच अदर। तो दोनों के ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं, और एक तरह से ये दोनों एक दूसरे के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। द कॉर्टशिप बिटवीन रॉबर्ट एंड एलिजाबेथ वॉज ए कैप्ट अ सीक्रेट। सीक्रेट रखा इनके में जो पेरेंट्स थे वो इसके खिलाफ थे, स्पेशली जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है उनके फादर थे। इन्होंने एक तरह से भाग के मैरिज की थी, और इसी वजह से इनके फादर ने इनको प्रॉपर्टी से निकाल दिया था। इन इटली द ब्राउनिंग वर नॉट ओनली रिस्पेक्टेड बट वर ऑल्सो फेमस। इन 1849 एलिजाबेथ गेव बर्थ टू हर सन रॉबर्ट वाइडमैन बैरेट ब्राउनिंग। इनको ये पेन भी बोलते थे, पेन ब्राउनिंग। पुर्तगीज वॉज अ पेट नेम यूज बाई हर हस्बैंड। हर बेस्ट वर्क इंक्लूड्स सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज 1850 में आया था, इसी टाइम जो टेनिसन का इन मेमोरियम वर्क भी आया था।
और वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी इसी टाइम पे। टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स इसमें, ये सोनेट्स हैं और कितनी है, 44। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है, काफ़ी फेमस है, ये लाइन बहुत बार आती है, हाउ डू आई लव दाई लेट मी काउंट द वेज। तो अपने हस्बैंड को डेडिकेट की है कि कैसे मैं तुमको प्यार करूँ, कितने कितने तरीकों से, या कैसे कैसे, हाउ टू आई लव दाई लेट मी काउंट द वेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट में है सोनेट, विच रेफर टू ए सोनेट सीरीज ऑफ द 16th सेंचुरी पोएट लुइस डिकैम्स एंड द वर्स नॉवल अरोरा लेक द मोस्ट पॉपुलर ऑफ हर लॉन्गर पोम्स। आफ्टर द सेकेंड एडिशन ऑफ एलिजाबेथ पोम वॉज पब्लिश्ड, हर पॉपुलरिटी इंक्रीज इन एंड इन 1850 आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्स वॉज हर नेम वॉज सजेस्टेड फॉर पोएट लॉरिएट बट इंस्टेड इट वेंट टू टेनिसन। ये इतनी फेमस हो गई थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद एक तरह से लोगों ने सजेस्ट किया कि इनको पोएट लॉरिएट होना चाहिए, लेकिन शायद उस टाइम फीमेल राइटर कम होते थे या उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो टेनिसन को बनाया गया। शी डाइड ऑन 29 जून 1861। एडगर एलन पो जो अमेरिकन पोएट हैं, वॉज इंस्पायर्ड बाई एलिजाबेथ पोम लेडी जेराल्डिन स्कॉटशिप। सिमिलरली हर वर्क वॉज इंस्पायरिंग टू एमिली डिकिंसन। आफ्टर हर डेथ ए कलेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ हर पोम्स वॉज पब्लिश्ड बाई हर हस्बैंड। तो जो अमेरिकन पोइट हैं एडगर एलन पोप, वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो पहले भी जैसे बताया गया था कि ये सिर्फ ब्रिटेन में फेमस नहीं थी, ये अमेरिका में भी बहुत पॉपुलर थी। तो इसमें हम जो अरोरा लेग है इनका नोवेल या पोएम कह सकते हो, वर्स नोवेल, इसको हम समरी करेंगे, डिटेल में करेंगे क्या स्टोरी है इसकी। अरोरा लेग को, अरोरा लेग 1847 में शार्लट ब्रोंटे का जेन आयर आया था और वंदरिंग हाइट्स आया था, इज एन ओपन एपिक पोम नोवेल बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। द पोम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स एंड इन कंपासिस 9 बुक्स, द वुमन्स नंबर, द नंबर ऑफ द सिबलिन बुक्स, इट इज अ फर्स्ट पर्सन नरेशन। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन नरेशन है, अरोरा जो राइटर है इसमें भी और वैसे भी प्रोटैगनिस्ट है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अरोरा और एक और हीरोइन है मैरियन अर्ले, जॉन रश्किन कॉल्ड इट द ग्रेटेस्ट लॉन्ग पोम ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ये 1857 में आई थी। अरोरा लेक वॉज द फर्स्ट मेजर पोम इन इंग्लिश इन विच द हीरोइन लाइक द ऑथर इज अ वुमन राइटर। जैसे बैरेट ब्राउनिंग खुद एक वुमन राइटर है, वैसे इसकी जो हीरोइन है अरोरा वो भी वुमन राइटर है। अरोरा लेक री राइट्स वर्ड्स वॉज प्रिल्यूड फ्रॉम अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें वर्क में जो अरोरा लेक जो राइटर है वो वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड लिखती है फ्रॉम अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू। इट ऑल्सो कंटेन्स एको ऑफ मिल्टन एंड इज ए नोवल रिटन इन ब्लैंक वर्स फॉर्मेट। द वर्क फोकसेज ऑन वुमन्स स्ट्रगल टू अचीव आर्टिस्टिक एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इन मॉडर्न सोसाइटी। इसीलिए इसको फेमिनिस्ट वर्क माना जाता है कि कैसे एक वुमन को स्ट्रगल करना पड़ता है एक मेल के बराबर इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पाने के लिए। इट इज ऑल्सो अ विटी बायरोनिक ट्रीटमेंट ऑफ विक्टोरियन मैनर्स एंड सोशल इशू एंड एन इमोशनली चार्ज लव प्लॉट दैट रिकॉल्स शार्लोट ब्रोंटे जेन आयर। जेन आयर में और इसमें स्टोरी थोड़ी सी सिमिलर है, क्योंकि जेन आयर में भी जो हीरोइन होती है वो पहले जिससे वो प्यार करती है उसको रिजेक्ट कर देती है और बाद में लास्ट में दोनों की मैरिज हो जाती है और वो भी ब्लाइंड हो जाता है एक तरह से। तो इसी में भी यही है कि जो अरोरा होती है वो पहले रोमी को मना कर देती है, उसको रिजेक्ट कर देती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उससे प्यार करने लग जाती है, उसको रियलाइज होता है कि वो इससे प्यार करती है, लास्ट में उनकी मैरिज हो जाती है और वो भी ब्लाइंड ही हो जाता है। द पोम वॉज एन ओवरवेलमिंग सक्सेस इवन थो इट पोस्ड रेडिकल आइडियाज लाइक द टू सेक्स वर्किंग टूगेदर सो दैट ईच वुड अचीव इट्स फुलेस्ट ह्यूमन पोटेंशियल। इट वॉज सिमिलर टू अदर नॉवल ऑफ द टाइम इन दैट इट वॉज अ बिल्डिंग्स रोमन, अ नॉवल ऑफ ऑल अराउंड डेवलपमेंट। तो बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है कि चिल्ड्रन से अडल्टहुड तक किसी का डेवलपमेंट, जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका डेवलपमेंट और सेल्फ कल्चर, लाइक चार्ल्स डिकन का नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन और जेन आयर। द हीरो हीरोइन इज यूजली एन ऑर्फन और हैज लॉस्ट वन पेरेंट। जेन आयर में भी जेन आयर ने अपने दोनों माँ और बाप को खो दिया था। इज ब्रॉट बाय अप एन अनसिम्पैथेटिक रिलेटिव, तो वो उसकी आंटी थी वो अनसिम्पैथेटिक थी जेन आयर की। टर्न टू बुक्स एंड सेल्फ एजुकेशन एंड एस्केप टू मोर कॉन्जीनियल सेटिंग। इट ऑल्सो कंटेन सम एलिमेंट ऑफ ऑटो बायोग्राफी। तो सबसे पहले अब हम समरी करते हैं, इसमें 9 बुक्स हैं तो 1 by 1 करते हैं। बुक 1, अरोरा इज बोर्न इन फ्लोरेंस टू ए फ्लोरेंटाइन मदर एंड इंग्लिश फादर। जब वो 4 साल की थी अरोरा तो उनकी मदर की डेथ हो जाती है, इनके फादर होते हैं वो बड़े प्यार से इनको बड़ा करते हैं, लेकिन जब वो 13 ईयर की होती है तो इनके फादर की भी डेथ हो जाती है। तो फिर ये अपने पुराने घर पे अपनी बुआ के पास, जो इनके फादर की सिस्टर है,
उनके पास रहने के लिए जाती है। इनकी बुआ होती है वो इनको जैसे वुमेन्स को उस टाइम एजुकेट करते थे उसी टाइम से सिखाती है, लेकिन वहाँ पे इनको जैसे इनका पुराना घर होता है तो फादर की ओल्ड लाइब्रेरी मिलती है, वहाँ पे ये खुद को एजुकेट करती हैं, शेक्सपियर को बहुत पढ़ती हैं, शेक्सपियर से बहुत इंस्पायर्ड होती हैं ये। फिर बुक टू में क्या होता है कि वो 20 ईयर की हो जाती है और जो उसका कजन होता है बुआ का बेटा रोमी रोमी लेक, वो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है हु होल्ड्स ए सोशलिस्ट आइडियल्स, तो वो उसको मैरिज के लिए प्रपोज करता है और साथ में जो इसकी राइटिंग है उसको क्रिटिसाइज करता है। वो ऐसा बोलता है कि कोई भी जो वुमन है या लेडी है वो एक तरह से शेक्सपियर है या और भी राइटर है वैसे राइटिंग नहीं कर सकती है, ये उसका काम नहीं है, वो इन्फीरियर है उनसे मेल से। तो सी रिफ्यूज हिम, तो वो उसको रिफ्यूज़ कर देती है और उसे बात नहीं करती है। लेकिन जो उसकी बुआ होती है वो गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है कि अगर तुमने इसको रिजेक्ट कर दिया तो एक तरह से फैमिली का मेल हायर तो यही है, तो सारी प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। और उस थोड़ा टाइम बाद वो बुआ होती है उसकी डेथ हो जाती है और जो फैमिली की पूरी वेल्थ होती है वो रोमी के पास चली जाती है। ही गेट्स 30,000 पाउंड्स वाइल अरोरा गेट 300। ही ऑफर सम फाइनेंशियल असिस्टेंट टू अरोरा बट सी रिफ्यूज एंड गोज टू लंदन टू मेक ए लिविंग एज अ पोएट, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है, सब कुछ छोड़ के लंदन चली जाती है राइटर बनने के लिए। तो अरोरा कुछ बुक्स वगैरह लिखती है, पोइट्री लिखती है, थोड़ी बहुत सक्सेस उसको मिलती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद एक दिन क्या होता है कि एक लेडी लेडी वाल्डेमर आती है इसे मिलने के लिए और वो बोलती है कि मैं रोमी से प्यार करती हूँ, लेकिन जो रोमी है वो एक लोअर क्लास लड़की मैरियन के प्यार में है, उससे शादी करना चाहता है, तुम उसको समझाओ कि मैरियन है वो लो क्लास लड़की है, मेरे साथ शादी करे। बाद में वो चली जाती है लेडी वाल्डेमर, तो ये अरोरा सोचती है कि चलो ठीक है देखते हैं मैरियन कौन है, उससे मिलती है। जब वो मैरियन से मिलने जाती है और उसकी स्टोरी सुनती है तो उसकी स्टोरी क्या होती है कि मैरियन की मदर होती है वो अल्कोहलिक होती है और वो उसको बेच देती है प्रोस्टिट्यूशन के लिए ताकि उसको कुछ पैसे मिल सके। लेकिन वो वहाँ से भाग के निकल जाती है और एक जो गरीबों के लिए हॉस्पिटल होता है, बीमार हो जाती है, गरीबों के लिए हॉस्पिटल होता है वहाँ पर पहुँच जाती है, वहाँ पे ये रोमी से मिलती है और रोमी इसका ध्यान रखता है एंड गोट हर वर्क एज ए सेम स्ट्रेस, शी इज अब्यूज इन दैट पोजिशन। तो बाद में रोमी उससे शादी करने के बारे में सोचता है। शी टेल्स अरोरा शी विल बी ए गुड वाइफ टू रोमी, तो वो मैरियन होती है वो बोलती है कि मैं रोमी को बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए एक अच्छी वाइफ साबित होंगी। तो रोमी देन वॉक्स इन, तभी रोमी आ जाता है तो अरोरा वहाँ से चली जाती है और वो उनके मैरिज को अप्रूव कर देती है एक तरह से कि मैरियन और रोमी एक दूसरे के लिए ठीक हैं और जो लेडी वाल्डेमर है उसको वो इग्नोर करती है। बाद में क्या होता है कि जिस दिन शादी होने वाली होती है रोमी की और मैरियन की, तो ये उस दिन नहीं पहुँचती है वहाँ पे और एक लेटर पहुँचता है कि शादी वाले दिन कि मैं तुम्हारे लिए फिट नहीं हूँ। जो क्राउड होती है उसको लगता है कि रोमी ने सिड्यूस किया है, वो उस पर अटैक करते हैं और ये भाग जाता है वहाँ से। इसको बहुत दिनों तक ढूंढता रहता है मैरियन को क्योंकि इसको कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, वो कहाँ चली गई। तो फिर इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं। अरोरा होती है वो उसको कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, उसे तो लगता है कि शायद उनकी शादी हो गई हो मैरियन और रोमी की। वो अपनी राइटिंग के साथ स्ट्रगल कर रही है, इधर रोमी है वो भी अपना जो सोशल वर्क है उसी में लगा हुआ है, वो जो अपना पुराना घर है उसको रिफ्यूजी गरीब लोगों के लिए रिफ्यूजी होम में बदल दिया है उसने। तो अरोरा को पता चलता है किसी पार्टी में उसको न्यूज़ मिलती है कि जो रोमी है उसकी इंगेजमेंट हुई है लेडी वाल्डेमर के साथ, तो उसके मन में कई क्वेश्चंस चलते हैं कि तो फिर मैरियन का क्या हुआ या मैरियन और उसकी शादी क्यों नहीं हुई, लगता है उसने मैरियन को छोड़ दिया, वो ऐसे ड्रामा कर रहा था, या इस तरह से काफ़ी कुछ थॉट्स उसके अंदर चलती रहती है। उसकी राइटिंग जो राइटिंग का वर्क है वो भी अच्छा नहीं चलता, तो वो फिर इटली जाने का सोचती है कि शायद वहाँ से कुछ उसको इंस्पिरेशन मिले लिखने के लिए। जब वो फ्रांस के लिए ट्रैवल कर रही होती है तो उसको वहाँ पे एक चेहरा, उसको लगता है कि ये कोई जाना पहचाना चेहरा है, फिर उसको याद आता है कि ये तो मैरियन है, तो वो उसके पीछे भागती है। वहाँ उसको पता चलता है कि मैरियन के एक बच्चा है। मैरियन अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करती है कि वेडिंग वाले दिन जो लेडी वाल्डेमर थी उसने उसको किसी तरह से कन्विंस कर लिया कि जो रोमी है वो तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी, ये एक ऐसे ही अजीब सी मैरिज हो जाएगी, और वो अपनी एक नौकर को उसके साथ भेज के कहीं भेज देती है। लेकिन वो जो नौकर होती है वो उसको ब्रोथेल में छोड़ देती है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है और वहाँ पे उसका रेप होता है, और किसी तरह से वो वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसी से ये उसका बेटा है, लेकिन वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती है। बुक 7 और 8 में क्या होता है, अरोरा टेक्स मैरियन एंड द चाइल्ड टू इटली, तो वो मैरियन और उसके बच्चे को इटली लेकर आ जाती है और तीनों एक साथ रहते हैं फ्लोरेंस में। वो अपनी बुक वगैरह बेचती है। आफ्टर सेवलर काफ़ी साल बीत जाते हैं, रोमी उनको ढूंढता हुआ वहाँ एक दिन आता है काफ़ी साल बाद।
तो रोमी उसको बताता है कि मैंने जो लेडी वाल्डेमर है उसे शादी नहीं की है, मैंने मैरियन को नहीं छोड़ा था, और जो हमारा पुराना घर है उसको मोब ने एक तरह से जला दिया है। और वो एक लेटर देता है, सॉरी इससे पहले एक हुआ था कि जब अरोरा को ये पता चलता है कि मैरियन के साथ ये हुआ और लेडी वाल्डेमर ने उसके साथ ऐसा किया, तो वो गुस्से में एक लेटर लिखती है लेडी वाल्डेमर को कि तुमने मैरियन के साथ ऐसा क्यों किया, तुम बहुत बुरी हो। लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताती रोमी को। तो बाद में एक लेटर लेडी वाल्डेमर इसको देती है, रोमी को, रोमी ये लेटर अरोरा को देता है। तो लास्ट बुक में क्या होता है कि वो लेटर फाड़ती है, देखती है, खोलती है, और उसमें वो एक तरह से लेडी वाल्डेमर अपने आप को डिफेंड करती है, और वो बोलती है कि मैंने बहुत कोशिश की, मैंने सिर्फ मैरियन को दूर इसीलिए भेजा क्योंकि मैं रोमी से प्यार करती थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि रोमी मुझसे प्यार नहीं करता है, वो तुमसे प्यार करता है, इसलिए हमारी मैरिज ही नहीं हुई, लेकिन मैरियन के साथ मैंने कोई बुरा नहीं किया। रोमी डज नॉट नो द कंटेंट ऑफ द लेटर, तो रोमी को उसमें क्या लिखा था वो पता नहीं था। वो मैरियन वो अरोरा पूछते कि अब तुम बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो, तो वो बोलता है कि मैं मैरियन से शादी करना चाहता हूँ और इसके बच्चे को एज ए फादर अपनाऊंगा, लेकिन मैरियन होती है वो मना कर देती है, वो रिफ्यूज़ कर देती है कि नहीं मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूँ, मैं अपना पूरा टाइम अपनी पूरी लाइफ इसी को डेडिकेट करूंगी, मैं तुमसे शादी नहीं करती। बाद में अरोरा और रोमी अपना प्यार एक दूसरे के लिए कन्फेस करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। ये ब्लाइंड भी हो जाता है लास्ट में जब मोब उन पे अटैक करती है या घर को जला दिया जाता है उस टाइम। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का अरोरा लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विद समरी कंप्लीट हो गया है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग कंप्लीट हो गई है विद एग्जाम पॉइंट्स। इसे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।